भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया, स्वते जसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंत मी मही 10, 37, 23। माया वाया वहां नहीं जा सकती, एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए, माया भाग जाए तो बस सदा पश्यन्त सूरयः तद् विष्णोः परमं पदं सुबालोपनिषद 6-7। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है मंत्र 27। यानी सदा के लिए माया जाएगी, सदा के लिए स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो पराशक्ति। तो हम पराशक्ति के अंश होते तो मायाधीन ना होते। हर कुछ जीव सदा से वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं, वे जीव। ऐसे जीव है, सदा से है वो, परिकर है भगवान के। और नंबर 2, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो हो भी सदा को स्वरूप शक्ति से पराशक्ति से युक्त हो जाता है। लेकिन जो सदा से मायाधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए है वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है। और माया के शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि माया जड़ है। तो एक बची शक्ति जीव शक्ति, तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। ये मायाबद्ध जीव सब इसलिए न हम पराशक्ति के अंतर्गत हैं न माया शक्ति के अंतर्गत हैं। इसलिए वेद स्तुति में 10:87-20 में कहा अबहिरंतर संबरणम, ये बीच में है इसलिए तटस्थ कहलाता है, तट पर है। तो क्यों जी, एक बात बताइए, ये तीनों शक्तियां अलग अलग रहती हैं? नहीं, कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती 1/100 सेकंड को भी। आग का जलाना ये जो धर्म है कर्म है शक्ति है, आग से अलग नहीं रह सकती, सदा रहेगी उसके साथ। हम भगवान की शक्ति है, माया भी शक्ति है, इसलिए हम दोनों सदा भगवान से संबद्ध रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। और एक बात और, वो क्या वेद कहता है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, श्वेताश्वतरोपनिषद, वो हमारा गवर्नर है, अधीश है, स्वामी है, और माया का भी स्वामी है। मायाधीश जीवाधीश दोनों का स्वामी है भगवान, हम दोनों स्वतंत्र नहीं है। अरे माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी? तो जैसे एक तौलिया है, अब ये क्या अलग से कुछ कर पाएगी, ये तो खुद ही कुछ नहीं कर सकती।
ये तो हमारा हाथ हिला रहा है, ये हिल रही है, सारे ब्रह्मांड को बनाती है, नचाती है, ये उसके बल पर, अपने बल पर तो 0/100 है।